बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त कश्मीर ग्लोबल टाइम्स के ग्राउंड रिपोर्टर मलिक मुजफ्फर अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन बट यासीन के साथ वेलकम और खुश आमदीद। इस वक्त हम हल्का इंतखाब शांगस के एक दूर दराज इलाके जिसका नाम कचमुला है, यहाँ की आवाम के साथ आज उन्होंने हमें फ़ोन करके यहाँ आने का मौका दिया है। उनका जो मुतालबा है वो क्या कहना चाहते हैं, जैसा कि आपको ये मालूम है 2017-2016 की जो स्कीम पीएमजी के तहत इनका जो रोड ब्रम्बर से लेकर यहाँ तक आया है, जिसमें कि हज़ारों कनालों की जो आबादी की जो ज़मीन है वो इस सड़क के जद में आ चुके हैं, और इनका यही कहना है कि वो जो दरख्तानी बाग भी थे और उनको भी तहस नहस करके उस वक्त डिपार्टमेंट ने इनके साथ यकीन दहानी की है, उनको भरोसा अपनी तरीके से दिया है, आपको भरपूर मुआवना मिलेगा, मगर तब से लेकर अब तक बेचारे ये इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं, आप जो नाजरीन मेरे पीछे ये जो लोग देख रहे हैं ये सरापा एहतजाज कर रहे हैं, इन लोगों का यही कहना है कि अभी तक पीएमजी और इसके साथ साथ आरएनबी की तरफ से इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है, जो कि इस आवाम के साथ एक बड़ा धोखा और बड़ी अफसोस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में हम एक बार फिर ये लाते हैं कि यह जो गरीब आवाम है इन बेचारों का सारा गुजारा इसी जमीन ज़रात पे था, जो कि हिल एरिया, जो कि अगर हम जिले अनंतनाग की बात करें कम से कम वहां से लेकर यहां तक 30 किलोमीटर दूर है। आप बखूबी जानते हैं कि ये बेचारे इस वक्त उनका जो रहन सहन वो भी मैंने आपको दिखाया। इस वक्त ये जो आवाम जो सरापा एहतजाज, इन लोगों का यही कहना है कि इनकी जो जमीन गई है कोई मुआवजा अभी तक इनको फराहम नहीं किया गया है, जो कि डीसी अनंतनाग और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बड़ी अफसोस की बात है। लिहाजा मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ इस गरीब आवाम के साथ जल्द से जल्द जितना उनको हो सके इंसाफ करे, वो उन सबकी ऐन नवाजिश होगी। मैं आपको बताते चलूँ, इस वक्त हम कचमुला के उस एरिया में है जहाँ इस रोड के लिए आज जो काम भी इस वक्त जारी है, जो कि मेरे कैमरा पर्सन आपको मेरी दाईं तरफ दिखा रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन बंड्स बनाए गए हैं, मगर इन लोगों की जो जमीन हड़प ली गई है मगर अभी तक इनको किसी भी तरीके की मुआवजा की उम्मीद तो दी गई है, मगर अभी तक इनके खाते में वो जमा नहीं हो चुके हैं। सीधे हम नाजरीन उनके पास चलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं अपने कैमरा पर्सन भाटिया सिंह के साथ, आइए उनसे भी आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो विनु तो क्या छुपानु नाव? मेरा नाम गुलाम अहमद खान। गुलाम अहमद खान सब तो क्या यसन वनुन यत किसन डीजी सबस्त यूजन आरएनबी मकम छु इंड जेवी सबसन कोस गुजारिश छु तो यसन कारी सर इस सदर औकाफ यत नगर वारिया कोशिश हालांकि यम इस गरीब आवाम अनपढ़ छ बिचार में वापना यम फाइल असेसमेंट के करनो में या हाइटी कल्चरस नीच तमाम अमिच अथॉरिटी अनीति छ मुमकिन एसीआर साहब ने दफ्तर असमत यस सर इस्लामाबाद अत वो त्रिम वरी अस पकान यस सर कि तम अस वन कि असा वो पोसाई यस सर हालांकि पोस ये तुम अस समझ अच्छी नाइनसफी करनी डीसी अनंत नाग सिंह नोटस पत्म लट पत्म डीसी साहब तमिस नश गए दह लट वापस हेस सर उस सबको डीसी साहब यस सर अच्छा तन पे वनस हालात खराब कोरोना गो हेकान ओर वसित नईस डीसी साहब नश गई नई जहा मत सर क्या एडमिनिस्ट्रेशन इल्तिजा करो इन गरीब आवाम इन गई डून कुल इन गो बाग अड़ नफर तम इन कलील रोकबो सिर्फ तिची हन यसान सड़क तल गई बाकी तम कुजारा सोन मुतालबो ये कि जल्द गोस कंपनसेशन रिलीज डीसी साहब नश दफ्तर मन तमाम फार्मलिटी पूर कर फाइल तम नश पीएमजी वालन ये कैसा दिन कट डाउन तो उन्होंने वो दे दिया अपनी तरीके से हर एक फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की है पूरी फॉर्मेलिटी करके जो कि डीसी साहब के दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। तो आप डीसी अनंतनाग को आप पुरजोर अल्फाज में क्या कहना चाहते हैं? उसको पुरजोर अल्फाज में ये कहते हैं कि यहाँ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग वो हैं जिनके पास सिर्फ इतनी जमीन और इतने दरख्त थे जिस पर वो अपना गुजारा करते थे, आप उनको कंपनसेशन मुहैया की जाए और खास करके पीएमजी वालों को भी हिदायत की जाए कि जहां बांड जरूरत है वहां नहीं लग रहा है। अच्छा बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरे नाजरीन से मिलेंगे, उनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरीद अहमद खान है जी। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, अभी जो रोड के बारे में आपकी जो जमीन कहना चाहते हैं कि हमने 3-4 साल लेकर जो हमारे रोड में जमीन गई है जी अखरोट गई दरखत हमारे पास इतना ही माल था जी, लिहाजा हमें इसका मुआवजा कोई मिला नहीं।
जी हम आप लोगों से और डीसी साहब से गुजारिश करना ये चाहते हैं जी 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 कि हमें इसका मुआवजा जल्द से जल्द फराहम किया जाए। हम गरीब लोग हैं, आज तो लॉकडाउन है, कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कोई गुजारा नहीं है, गरीब आदमी है, लिहाजा हम आपसे गुजारिश यही करते हैं कि हमें मुआवजा इसका मिलना चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे नाजरीन से आपको मिलाते हैं जी, आपका नाम क्या है? फरीद अहमद खान। फरीद साहब, इनका यही कहना है कि उनकी जो जमीन अभी तक ये सड़क पे आई है और उस वक्त यकीन दहानी उनको मिल चुकी है, मगर ये बड़ी बदकिस्मती की बात ये है, तब से लेकर अब तक ये बेचारे इंतजार करें। फरीद साहब, मुख्तसरन आप डीसी अनंतनाग के नोटिस और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में क्या लाना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं डीसी अनंतनाग के नोटिस? हमको जो जरूरत है उसकी दुनकुल और जमीन है जी, वो देने वो नहीं हमको आया, हमको जी जी कोई मुआवजा उनका नहीं मिला है जी। उस वक्त उनकी तरफ से यकीन दहानी मिली है, मगर बड़ी बदकिस्मती की वजह से तब से लेकर अब तक अभी आप इंतजार ही कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने उस वक्त कहा कि आपको दूसरे साल में इसका मुआवजा मिल जाए। मिल जाए, चार साल हो गए मिले नहीं, तो आप अभी नहीं मिला कुछ। हाँ जी जी, दूसरे नाजरीन से बात करेंगे जी, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? जनाब, हमें यहाँ ड्रेन जरूरत है जी, जो मस्जिद से लेकर मस्जिद ड्रेन जी नीचे तक है, वो अभी तक पीएमजी वालों ने नहीं दी है जी जी जी। सब ड्रेने ब्रिम्बर में लगाई है जी, पुल के पास लगाई है, नजीर शेख के मकान के पास, ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक का नहीं है, पीएमजी वाले का। अच्छा, एक बंड लगाया है इतने काम में से इधर जी, टोटल एक ये बंड लगाया, ये बंड लगाया और कोई नहीं। तो आप लोगों का कहना है कि मस्जिद के पास जो इरिगेशन को जो ड्रेन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। वो बोलते हैं अभी ये प्लान में आई नहीं है, कब आएगी? आप अब क्या कहना चाहते हैं? मुख्तसरन अल्फाज, पीएमजी के नोटिस और इसके साथ साथ आरएनबी के नोटिस में क्या लाना चाहते हैं और डीसी अनंतनाग को किस तरीके से आपन गुजारिश करते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए इस बारे में? यही है, हमें मुआवजा मिलना चाहिए और जो सड़क का काम है ये पूरा होना चाहिए जी। आप बड़े दर्द मंदाना अपील करते हैं यहाँ के डीसी अनंतनाग। अच्छा नाजरीन, बात करने के लिए शुक्रिया। मोहतम तो क्या यसन याद बारस मंजूर मानो जनाब की यसन आज गई जसा शुडास में ये जमीन पीएमजी एस था। यस सर। पर जनाब आई बॉय तहसीलदार साहब पटवारी गिरदावार साहब यमो ने ये मेहनत तन पेट वनुक था न चाइस काकज कुन न च पोंस कुन तिम कुल ते दर्द दर हाल तो न तदेल लैटरिन गई जाय मकान गई न पोंस तरन कुन न के लिहाजा चीज गुजारिश करन डीसी साहब अगर अस कुन तवजो दी है अस तरन अस गरीब आवामस फायदे तो ना गए मारे तो तमि सात दिन अगर आर एन बी कत करो या डीसी अनंत नाग कत करो इन सब डी सी या तहसीलदार शाम तमि सात दिन दी तुज कमी गई तारी अ डी सी साहब दिन दहानी मे दोपन यह गए अठन दिन तक मे पे पास तन पे वरी वह अल कु नोजन कह सो तो न डीसी अनंत नाग करो गुजारिश सान तरफ दस गरीब आवाम फाकशी पे वन सी कुल तबेल लैटरिंग जाए दर्द हाल जमीन जमीन डून कुल न हमुक पुरसान तो ना हमु गो दपन डी सी साहब काकस तो पी एम जी दफ्तर गए वाराय फिर गए पी एम जी दफ्तर तमो दसल तरह डी सी साहब शुक्रिया। देखा नाजरीन, आपने देखा कि सरापा एहतजाज, अगर हम कठमुला की बात करें उसके साथ साथ ब्रम्बर नर्सर में भी लोग धरने पे हैं, सरापा वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर उस वक्त डीसी अनंतनाग और तहसीलदार साहब ने उनको पुरजोर ये इत्मीनान दिया है और ये इल्तिजा करते हैं उनको, हिम्बल रिक्वेस्ट हमारी तरफ से भी, ये जो गरीब अवाम है इनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ हमें देखने को मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि ये जो एरिया है, हम इस वक्त हल्के इंतखाब शांगस के एक दूर दराज इलाके जिसका नाम ब्रम्बर नर्सर और साथ में कचमुल रोड जो यहाँ से बना है, और उस वक्त पीएमजी 2017-2016 में एक स्कीम के तहत आरएनबी के साथ कॉपरेट करके उन्होंने यहाँ से बाजाबता यह जो रोड बनाया जो कि कम से कम 10-15 किलोमीटर ब्रम्बर से लेकर वहाँ तक कचमुला तक है, मगर उन लोगों का भी यही है, आज ये लोग आज ये बरादरी सरापा एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि उस वक्त हमारे साथ यकीन दहानी की गई है, मगर बड़ी बदकिस्मती की वजह से आज हमें फिर कहना पड़ रहा है कि इनके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हो चुका है। लिहाजा डीसी अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी तरफ से भी मोतबाना इल्तिजा है कि बराए करम बराए मेहरबानी करके वक्त जाया करने के बगैर इस गरीब आवाम की तरफ उनकी तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। कश्मीर ग्लोबल टाइम्स के ग्राउंड रिपोर्टर मलिक मुजफ्फर अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन बट यासीन और चीफ एडिटर सोहेल मकबूल को दीजिए इजाजत।